नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बैंक बैलेंस और संपत्तियों का लेटेस्ट अपडेट दिया है। पीएम मोदी ने अपनी सैलरी में बड़ी बचत की है। जी हां, पीएम मोदी हमारी और आपकी तरह ही अपनी सैलरी में बचत करते हैं। पीएम मोदी ने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा टर्म डिपॉजिट्स और सेविंग्स अकाउंट्स में रखा है। इसके चलते बीते 15 महीनों में उनकी चल संपत्ति में 36,53,000 रुपए का इजाफा हुआ है। सैलरी के तौर पर मिली रकम को वो सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं और इसका एक हिस्सा फिक्स डिपॉजिट के तौर पर जमा करते हैं। एफडी में जमा की गई रकम पर मिला ब्याज भी पीएम मोदी की राशि में इजाफा होने की एक वजह है। हाल ही में उनकी तरफ से दी गई अपनी संपत्ति की जानकारी में ये बातें सामने आई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में पीएम मोदी की चल संपत्ति में 26% का इजाफा हुआ है। ये 1,39,10,260 रुपए से बढ़कर 1,75,63,618 हो गई है। पीएम मोदी ने 12 अक्टूबर को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। आपको बता दें, इस चल संपत्ति के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की अचल संपत्ति में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। उनका गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक प्लॉट और एक घर है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। इसमें उनके अलावा परिवार का भी मालिकाना हक है। आम लोगों की तरह ही पीएम मोदी का भी टैक्स बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में भरोसा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को 2,00,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है, लेकिन इस साल अप्रैल से ही वो सभी सांसदों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रियों की तरह ही 30% से कम सैलरी ले रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के सेविंग अकाउंट में 30 जून तक 3,38,000 रुपए की रकम जमा थी। इसके अलावा उनके पास कैश के तौर पर 31,450 रुपए की राशि जून में थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पालिका शिक्षा से लेकर गंगा की सफाई और कोरोना तक पीएम अब तक 103 करोड़ से ज्यादा का दान दे चुके हैं। ये रकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद को मिले पुरस्कारों की नीलामी से मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कोई लोन और बकाया राशि नहीं है। उनके पास खुद की अपनी कार भी नहीं है। उनके पास सोने की 4 अंगूठियां हैं। सार्वजनिक जीवन में ज्यादा पारदर्शिता के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की तरफ से 2004 में केंद्रीय मंत्री परिषद की संपत्ति और देनदारियों का सार्वजनिक खुलासा किया गया था, जिसके बाद से सभी मंत्रियों को ये जानकारी देनी होती है। आपको बता दें, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के बाद से सभी सरकारी नौकरों को उनकी सालाना आय की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।